दिल्ली यूपी के बाद अब हरियाणा में भी बुलडोजर की कार्रवाई चर्चा में रही। अंबाला में भी बुलडोजर कार्रवाई की गई। जिले में नशा तस्करी में फंसे पूर्व पार्षद राजेश द्वारा डेहा कॉलोनी में अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला। ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में नगर परिषद अंबाला सदर और पुलिस फोर्स ने कार्रवाई की। पुलिस ने बताया कि पूर्व पार्षद राजेश और इसका पूरा परिवार नशा तस्करी में शामिल है। नशा तस्करी के कई मामले दर्ज है। ये एक यहाँ पर देहा बस्ती में एक इलीगल कंस्ट्रक्शन करी हुई थी। जो पूर्व एमसी है यहाँ के राजेश, उसने यहाँ पे जो सार्वजनिक शौचालय था उसकी जगह पर अपना गोदाम बना लिया था, जो सरकारी आदेशों पे तोड़ा जा रहा है, जिसको पुलिस बल प्रदान किया गया। ड्यूटी मैजिस्ट्रेट यहाँ पे लगे हैं। क्या कुछ बरामद हुआ? ये नशे का व्यापार करता पूरा का पूरा परिवार। इनसे कुछ दिन पहले भी 260 ग्राम हेरोइन और 1500 कैप्सूल बरामद हुए थे, जिसकी अलग से जो प्रॉपर्टी है उनको भी सीज करने की। इसमें 400 के करीब पुलिस कर्मचारी हैं, महिला और पुलिस कर्मचारी हैं। ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब लग से लगे हुए हैं और नगर पालिका का अमला है। सारी कार्रवाई है जो कानून के दायरे में और शांतिपूर्ण से। किसी तरह की नहीं, कोई किसी तरह का कोई विरोध नहीं है। सारा काम है जो शांति से और कानून के दायरे में चलता है। किसकी? ये राजेश एमसी है, उसके परिवार की संपत्ति है जो किसी में नशे के कारोबार।